मामला थाना गोपालपुर के इटावा खुर्द का है, जहां की सेवा सरकारी समिति बाई बोड़ी के हमीदगंज तुलाई केंद्र से दो ट्रकों में कल 500 और 300 बोरियां गेहूं सिंहपुर वेयरहाउस के लिए भरी गई थी, जो कि ट्रक ड्राइवर द्वारा रास्ते में उतार कर 6-7 बोरियां बेची जा रही थी, जिसको सेवा सहकारी समिति सह सहायक प्रबंधक को आशंका हुई कि यह लोग ट्रकों से रास्ते में गेहूं बेचते हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ ट्रकों का पीछा किया, जिसमें कि रात को 2 बजे बोरी उतारते हुए इटावा खुर्द में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ा गया, जिसकी सूचना शाखा प्रबंधक अशोक शर्मा ने नसुलागंज SDM तहसीलदार एवं समस्त संबंधित अधिकारियों को दी, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उसके उपरांत 100 नंबर पर सूचना दी गई, जिस पर गोपालपुर पुलिस ने दोनों ट्रक ड्राइवर आरोपियों को थाने ले जाकर बैठा दिया एवं समिति संचालकों से कहा कि आप पहले दोनों ट्रकों में बोरियां गिन लें कि कितनी बोरियां चोरी हुई है, उसके बाद FIR की जाएगी। वहीं जब इन चोरों को पकड़ने वाले ग्रामीणों ने ड्राइवरों से पूछा यह गेहूं चोरी कब से और किसके कहने पर कर रहे हो, तो ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि ट्रक मालिक संदीप यादव के कहने पर हम हर ट्रक में से 6-7 गेहूं बोरियां रास्ते में उतारते हैं और जब सीहोर जाते हैं तो नादान से संदीप यादव खुद अपने घर के सामने अपने हर ट्रक में से 6-7 बोरी उतारता था। बुधनी से चंदन सिंह बागवान की रिपोर्ट। ट्रक हमारे यहाँ हमीदगंज सेंटर से लोड हुए थे रात दिन में ही 2 बजे और वहीं खड़े रहे वो 2-3 घंटे। इसके बाद में रात को 11 बजे करीब इटावा खुर्द आए तो शंका हो गई थी, तो पीछे हमारे आदमी आ गए थे इनके पीछे पीछे और इनमें से कट्टी उतरी रात को। अब ये रात को हमने जब ये इनने देखा कि यहाँ कट्टी वट्टी उतरी है तो ड्राइवर वगैरह इनसे पूछता है। अशोक जी ये बताइए, ये जो दो गाड़ी खड़ी है यहाँ क्या मामला है इनका? ये दो गाड़ी कल भराई थी सर हमारे वहाँ सेंटर पे से लगभग 2 बजे के। कौन से सेंटर से? हमीदगंज सेंटर से, जो बाई बॉडी में है। काय की गाड़ी है ये? उपार्जन केंद्र गेहूं उपार्जन। तो कहाँ जा रही थी ये? सिंहपुर के नाम से। तो यहाँ क्यों पड़ी है? यहाँ सर यहाँ चोरी हुआ माल। कितना चोरी हुआ? 7 कट्टी। किसने किया ये? ये ड्राइवर लोगों ने उतारा माल। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की है? हाँ सर, थाने फोन लगाया था, 100 नंबर गाड़ी आई थी, आगे उनको ड्राइवर लोगों को ले गए, उनको कबूल भी करवा लिए हमने, हमारे पास वीडियो भी है उनका। तो किसके कहने पे उतार रहे थे ये? ये वो ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि हमारे सेठ के कहने पे उतार रहे। सेठ का नाम क्या है जिस कहने पे उतार रहे थे? नानू। नानू कहाँ का रहने वाला? ये यहाँ का है, नादान। अच्छा, नादान का नानू जी, इसके कहने पे ड्राइवर उतार रहे थे जी। अच्छा, और ये बताइए कि जब आपने FIR के लिए थाने में बोला तो क्या बोल रहे थाने वाले? FIR शुरू में उनको मैडम को फ़ोन लगवाया था मैंने, तो मैडम ने बोला 15 मिनट में गाड़ी पहुंच रही है, तो 15 मिनट नहीं आई, फिर इसके बाद डबल से लगाया हम लोगों ने, तो डबल से लगाया तो मैडम जी ये बोल रही है कि ड्राइवर कंडक्टर और उनको सबको आप ही ले आओ यहाँ थाने। ये बताइए, जैसे कि अभी आप सत्यापन करोगे गाड़ी का, तो गाड़ी में अगर कम निकलेगा तो FIR किस किस के खिलाफ करवाओगे? FIR तो सब जो परिवहन करता ही कर रहा है, मतलब ड्राइवर के या ठेकेदार के भी? ड्राइवर तो है ही सर इन्वॉल्व, बाकी जो परिवहन करता है उनको, मतलब ठेकेदार खिलाफ भी होगी ना? ठीक है। तुमने ये बताया कि 7 कट्टी उतारी हमने, 6 कट्टी एक गाड़ी में से, एक में से 7 कट्टी। कहाँ उतारी है, कौन के घर उतारी? ये घर तो यही साइड में ही है, कौन का है? शेरू। तो अब वो ड्राइवर कहाँ है? थाने में। रात को 100 नंबर पर फ़ोन भी लगाया था हमने, तो 100 नंबर गाड़ी आई थी और उनने उनको ले गए। तो आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के खिलाफ? अभी कार्रवाई में तो सबको जान, जो भी कार्रवाई होगी वो तो फिर आगे होना है। अभी FIR हुई या नहीं? सत्यापन का बोला है मैडम ने थाने से कि गाड़ी का सत्यापन करो, उसके बाद में FIR करेंगे। तो आप लोग FIR किस किस के खिलाफ करवाओ, ड्राइवर के या फिर ठेकेदार या फिर गाड़ी मालिक? वो तो सही बात तो ये है कि अपने तो कुछ है नहीं FIR करने का, या तो ठेकेदार करवा FIR इनके गाड़ी मालिक के खिलाफ। नहीं, माल तो आपका चोरी हुआ ना, वो क्यों करवाया? हमारा हुआ, लेकिन हमको तो पावती मिल जाती है उनसे, ठेकेदार से जो ड्राइवर है वो पावती लेते हैं उनसे, हम जितना माल हमने भरा है गाड़ी में उतने की पावती मिली हमको। आपका कौन सा? बाकी हमको तो शंका यूं हुई कि गाड़ियों में माल हमेशा कम होता है, तो ये बताते हैं कि सूखा थे, तो कल हमको जानकारी मिली कि ये माल यहाँ उतरता है इटावा में, इसलिए पीछा किया और पता लगा कि आपका व्यक्ति कौन था जिसको आपने भेजा था पीछा करने के लिए? हमारे ये कर्मचारी है सेंटर प्रभारी। क्या नाम है इनका? राम।
रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।